इंपीरिया टेल केस 12 दिसंबर 1900 2 दिसंबर 1995 हंगरी अमेरिकी बायोफिजिसिस्ट वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जिन्होंने सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर काम किया था। एक संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने समय से पहले मारिया टैल्क्स ने 1920 में बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में भौतिक रसायन शास्त्र का अध्ययन किया और पीएचडी प्राप्त की। 1924 में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाई विजन चैनल, आई एम रूपांशु कुमार। मारिया टेलकेस का जन्म 12 दिसंबर 1900 बुडापेस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। उनका मृत्यु 2 दिसंबर 1995 को 94 साल की आयु में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनको थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना जाता है। वो 1925 में संयुक्त राज्य अमेरिका आई और अंततः मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंची, जहां उन्होंने सौर ऊर्जा के व्यवहारिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित किया। MIT में रहते हुए टैक्स ने एक विधि बनाई जिसमें सूर्य से ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए सोडियम सल्फेट का उपयोग किया गया। सौर ऊर्जा अनुसंधान की दुनिया में पहली बार उन्होंने 1939 में कदम रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने सेना के आपातकालीन चिकित्सा जीवन में उपयोग किए जाने वाले सूर्य के लिए एक आसवन उपकरण बनाया था। इसने डाउन एयरमैन और टॉरपीडो नाविकों की जान बचाई। इतना ही नहीं बल्कि टैक्स ने एक ऐसा आविष्कार किया जो एक सौर डिस्टिलर था जो समुद्री जल को वाष्पीकृत करता था, इसे पानी में पुनर्गठित करता था जो दूसरों के लिए पीने योग्य था। उसका लक्ष्य और प्राथमिकता गरीब और शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए कम लागत पर एक नवाचार बनाना था। टैक्स को सौर तापीय भंडारण प्रणालियों के संस्थापकों में से एक माना जाता है, जिसने उन्हें द सन क्वीन उपनाम दिया। अंत में युद्ध के बाद मारिया टैक्स MIT में एक एसोसिएट रिसर्च प्रोफेसर बन गई। 1948 में निर्मित डोवर हाउस को वितरित हवा की जरूरत थी। 1940 के दशक में वह और उनके साथी एलेनो रेमंड, एक वास्तुकार, ने मिलकर पहला सौर तापित घर बनाया। उन्होंने ऐसा एक रसायन का उपयोग करके किया जो क्रिस्टलीकृत होता है और गर्मी को फिर से विकीर्ण करता है, जिससे अंदर एक स्थिर तापमान बना रहता है। वे इसमें अत्यधिक सफल रहे क्योंकि उन्होंने मैसाचुसेट्स में एक घर को क्रूर सर्दियों के दौरान बहुत गर्म रखा। उन्हें 1953 में फोर्ड फाउंडेशन से एक सार्वभौमिक सौर ओवन बनाने के लिए $45,000 का अनुदान भी मिला था, जिसे सभी विभिन्न अक्षांशों और स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए अनुकूलित किया जा सकता था। इस ओवन का उपयोग व्यक्तियों द्वारा कई प्रकार के व्यंजन तैयार करने में मदद के लिए किया जाता था। फिर भी यह छोटे बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित था। वह कौन थी होने के नाते उन्होंने किसानों के लिए अपनी फसलों को सुखाने के लिए एक तेज तरीका विकसित करने के लिए इस विचार का निर्माण किया। ये बाद में ऐसी सामग्री विकसित करने के लिए उन्नत हुआ जो अंतरिक्ष में तापमान के लिए पर्याप्त टिकाऊ थी। 1952 में टैक्स सोसाइटी ऑफ वुमन इंजीनियर्स अचीवमेंट अवार्ड की पहली प्राप्तकर्ता बनी और 1977 में उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज बिल्डिंग रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सोलर हीटेड बिल्डिंग तकनीक के लिए था जिसके लिए उन्होंने अपना समय समर्पित किया। कुल मिलाकर टैंक्स जीवन रक्षक नौकाओं पर उपयोग के लिए एक लघु अलवानीकरण इकाई, सौर स्थिर सहित व्यवहारिक तापीय उपकरणों का एक विपुल आविष्कारक था, जो पीने योग्य पानी एकत्र करने के लिए सौर ऊर्जा और संघनन का उपयोग करता था। फिर भी उन्होंने वायु सैनिकों और नाविकों की जान बचाई जो समुद्र में छोड़े जाने पर पानी के बिना होते। अपने करियर के दौरान टैंक्स ने 20 से अधिक पेटेंट अर्जित किए, जिसमें एक कार्यात्मक सौर ओवन के लिए भी शामिल है, और इन सौर ऊर्जा आधारित अनुप्रयोगों को विकसित करना जारी रखा। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हमेशा अपडेट रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।